समूह की जो चट्टानें थी इन पे क्या होगा? अपक्षय होगा और क्या होगा? अपर्ण। इसका मतलब जब दोनों काम कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन की प्रक्रिया के दौरान इसका जो मलबा मिलेगा, हमें फूट फूट होकर जो मलबा मिलेगा, तो मलबा पहले एक लेयर फिर दूसरी लेयर, इस तरीके से वो जमता जाएगा और जमाव के द्वारा जो चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी? हमारी धारवाड़ चट्टान बनेगी। इसका मतलब आर्कियन चट्टान के टूट फूट होने से जो मलबा एकत्रित हुआ, उस मलबे के जमाव से, संगठन से जिस चट्टान का निर्माण हुआ, क्रम का होता धारवाड़ क्रम की चट्टाने। ये तो उसका तरीका हो गया कि ये बनी कैसे है। ये ज्यादातर प्रथम, इनको अगर दूसरा नाम कहूं तो इनको प्रथम तलछटी चट्टान भी कहते हैं। तलछटी चट्टान, तलछट मतलब तल में जाके जमाव से जो चट्टाने बनती हैं उसको प्रथम तलछटी चट्टाने भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आर्कियन मैंने आपको समझाया था, आर्कियन अग्नि के मतलब लावा और मेग्मा के ठंडा होने के जमने के कारण बनी है, तो उसमें जीवावशेष नहीं पाए जाएंगे क्योंकि आग में तो चीजें जल जाएंगी। जब मैं कह रही हूँ धारवाड़ भी आर्कियन के अपर्दन अपक्षय जो मलबा तलछटी में एकत्रित हुआ उसके कारण बनी है, इसका मतलब इसमें भी क्या नहीं पाए जाएंगे? इसमें पहली चीज तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म नहीं होंगे इसमें, जैसे आर्कियन में नहीं थे ऐसे इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। दूसरी चीज आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व, चाहे जीवाश्म नहीं है, मान ली पेट्रोल नहीं मिलेगा, प्राकृतिक गैस नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी के जो अन्य खनिज संसाधन हैं, चाहे वो धात्विक हो चाहे अधात्विक हो, वो इसमें बहुत ज्यादा मात्र। तो अगर कहें खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न, खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है चट्टान, क्योंकि परतों के रूप में हुई है, तो उसमें रूप परिवर्तन हुआ, दबाव हुआ, संगठन के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण इसमें खनिज संसाधनों का काफी मात्रा में निर्माण हो गया था। ये ज्यादातर जो ये चट्टाने कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो धारवाड़ नाम रखा गया था, कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक में जगह का नाम है धारवाड़, वहां सबसे पहले ये चट्टाने, इनका समूह क्रम पाया गया था, इस वजह से इसका नाम धारवाड़। इसी के बगल में धारवाड़ के साथ साथ पूरी बेल्ट है, ऐसा नहीं सिर्फ धारवाड़ में ही है, इसके बगल में बेलारी व शिमोगा, ये क्षेत्र है जहां ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने पूरी तरह से फैली हुई है और जहां खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। ठीक है, बात करते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या है या इसमें क्या क्या पाया जाता है। ये जो काल था, पहली चीज तो समझिए इस समय में कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला थी जिसका निर्माण हुआ था, तो ये वो काल था जिसमें अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? अरावली पर्वतों का निर्माण रूप में हुआ था, मोड़दार पर्वत के रूप में। अरावली जो थी इसका मतलब उस समय निर्मित हो रही थी, तो नवीन उस समय की नवीन होगी, अभी तो अवशिष्ट पर्वत प्रणाली है ना, अपनी नवीन पर्वत मोड़ों के रूप में होता। इसके बाद इसी समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगी? समतल, मतलब उसमें टूट फूट होने लगी। टूट फूट होने के कारण उसका जो रूप था, जो ऊंचाई थी, वो धीरे धीरे घिसकर नीचे आने लगी, छोटी होने लगी। इसको अब वर्तमान में कहें तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, संसार का सबसे पुराना पर्वत, सबसे पुराना जीके का क्वेश्चन है हमारा, लेकिन अब ये पहले तो मोड़दार पर्वत था, अब कैसा पर्वत है वर्तमान में? वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो वर्तमान में कैसा पर्वत है? बलित। बलित के साथ साथ अगर बलित तो उस समय हुआ था अवशिष्ट, मतलब बचा हो चुका, क्योंकि इसमें इतने लाखों सालों पुराना है कि वो घिस घिस के इतना छोटा हो गया है। तो वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। ये प्रक्रिया कब चली थी? धारवाड़ क्रम में तो इसका निर्माण हो रहा था,
वर्तमान स्थिति कैसी है इसकी, अवशेष दोनों। तो अरावली का पूछा जाए निर्माण काल की बात, तो धारवाड़ काल की हम बात करेंगे। इसके विस्तार क्षेत्र की अगर बात करें तो हम इसको मैथिली द्वारा समझेंगे। भारत में इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ इस गण में चट्टाने फैली हुई हैं उनके बारे में। ये हमारा नेपाल, ये सिक्किम और ये भूटान। ये भूटान है, ये नेपाल है, बाकी का ये हमारा पूरा क्षेत्र। हम एक दर्रे के माध्यम से सेवन सिस्टर स्टेट से जुड़े हुए हैं। ये हमारे भारत की, ये हमारा राजस्थान, ये गुजरात वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, ये तटवर्ती क्षेत्र। अब इसमें ये कहाँ कहाँ स्थित है इसके बारे में बात करते हैं कि धारवाड़, पहले हमने आपको कौन सी बताई थी, आर्कियन समूह की चट्टाने। अब हम बात कर रहे हैं इसकी हमारी सबसे पहले, तो मैं जब अरावली का जिक्र कर रही हूँ तो इसका मतलब अरावली वाला क्षेत्र आएगा, ये वाला क्षेत्र। इसके अलावा थोड़ा सा महाराष्ट्र में विंध्य के पास, क्योंकि हमारा जो दक्षिण पूर्वी वाला इलाका है या हम पूर्वी वाला बात करें तो वहाँ पे भी ये पाई जाए। इसके बाद मैंने कहा था धारवाड़ जो नाम रखा गया, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, उसके नाम पे रखा गया, वहीं पे बेलारी और शिमोगा है। तो कर्नाटक का है हमारा, यहाँ अपना महाराष्ट्र हो गया, ये अपना गोवा होगा, गोवा के बाद ये हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, कर्नाटक, और ये हमारा केरल। तो कर्नाटक वाली स्थिति की बात करें तो कर्नाटक में डायग्राम को प्लीज बना लीजिएगा या मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं है। कुछ इसका पार्ट छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी जाएगा, ऐसे बना। मैं आपको क्षेत्रों के नाम भी मैं बता दूंगी, लिखते कि कहाँ कहाँ, और यहाँ पे अपने ये जो अपना ये वाला हिस्सा मेघालय से ऊपर असम वाले क्षेत्र में, और कुछ मात्रा अरुणाचल वाले क्षेत्र। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ अपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाली कुटी में भी इसकी थोड़ी सी मात्रा पड़ जाएगी। ये हमारी किस क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की। आप चाहे तो डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। क्षेत्र अगर मैं बात करूँ तो नाम लिखना चाहें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि ये धारवाड़ है तो ये जो दक्षिण वाला भाग है हमारे, यहाँ विंध्याचल श्रृंखला है, इसके नीचे हमें दक्षिण भारत कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, तो ये ऐसी पर्वत प्रणाली है जो कहाँ कहाँ विस्तार है इसका, विस्तार की बात करें, विस्तार तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र एवं बाहर दोनों में मिलती है। अब आप पूछेंगे प्रायद्वीपीय कर्नाटक वाला हिस्सा आ गया तो प्रायद्वीपीय हो गया, बाहर मतलब जो पठारी भाग से, प्रायद्वीपीय मतलब जो तीन ओर से नदियों पानी से घिरा हो। इधर क्या है हमारी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर हमारा क्या है अरब सागर, और दक्षिण में हमारा क्या पड़ जाता है हिंद महासागर, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ उसे कहते हैं हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो तीन ओर से, तो प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में होने के साथ बाहर मतलब उससे बाहर की ओर भी किसी का विस्तार है तो यही चट्टान। देखिए बाहर में कहाँ गए, राजस्थान में आ गए, प्रायद्वीप में, दक्षिण प्रायद्वीप में तो नहीं होगा, जम्मू कश्मीर हिमाचल वाले क्षेत्र में आ गए, उड़ीसा वाला क्षेत्र आ गया, अपना छोटा छत्तीसगढ़ भाग अरुणाचल में आ गए, और असम वाले क्षेत्र में। तो ये बाह्य पायदान, ये ऐसी चट्टान है जो ना केवल दक्षिण वाले हिस्से में है बल्कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में भी ये चट्टान पाई जाती है, और इसी कारण इसका रूप परिवर्तन ज़्यादा हुआ, बदलाव हुआ। तो इसमें बहुत सारी मात्रा, मैंने पहले ही कहा था, सर्वाधिक खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा रिच। तो हमारे लिए अगर जिस क्षेत्र में खनिज संसाधन मिलेंगे तो आर्थिक आयोग, आर्थिक आयोग थे हमारी
प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जाहिर सी बात है हमारा जो रहन सहन है वो अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ जो खनिज संसाधन होते हैं वो इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये ऐसी चट्टान है जिसमें खनिज संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्षेत्र बता देती हूँ ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। एमपी वाला ये क्या देखिए, ये राजस्थान है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर लें राजस्थान एमपी। ये मैंने आपको कौन सा बताया था, ये वाला क्षेत्र इंडिकेटर बना रही हूँ, इंडिकेटर से समझिए कर्नाटक। ठीक है, तीन क्षेत्र तो आपको क्लियर ही हो रहे हैं। एक मैंने ये बताया था आपको, ये कौन सा क्षेत्र, असम। ये बाह्य प्रायद्वीप के क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं, असम आ जाएगा इसमें। असम के बाद हिमालय, ये जो क्षेत्र है ये हिमालय का, तो मैं इसको डायरेक्ट एक ही शब्द लिख दूँ हिमालय, हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय क्षेत्र में आप स्पेशली पूछना चाहोगे कि कौन सी जगह है, तो वो जगह भी अगर आप जानना चाहें तो वो भी मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी काराकोरम आती है, लद्दाख और जासकर। तो ये जो हिमालय के क्षेत्र हैं वो है लद्दाख, जासकर श्रेणी वाला क्षेत्र है एवं यही श्रेणी जाती है। अभी आपको अगला जो टॉपिक कराएंगे पर्वत भारत का भौतिक स्वरूप में, उसमें समझाया जाएगा तो लिंक हो जाएगा ये टॉपिक पूरा का पूरा। लद्दाख और कुमाऊं श्रेणी, तो ये तो हो गए किसके क्षेत्र, हिमालय वाले क्षेत्र। ठीक है, हिमालय से टच करके हमें समझ में आ गया कि ये वहाँ पाई जाएगी। इसके अलावा स्पीति घाटी में भी मिलती है, वक्रता श्रेणी में भी मिलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने क्षेत्र आपको लिख दिए हैं। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने कहा था खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत सहूलत है, खनिज। तो खनिज की बात करें तो खनिजों में इसमें मिलता है सोना, मैंगनीज, ठीक है, तांबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज मिलते हैं, जस्ता। ठीक है, एक तो ये मिलते हैं, दूसरी अधात्विक, ये तो धात्विक खनिज, अधात्विकों की बात करें तो इसमें मिलता है हमारा सुरमा, ठीक, सुरमा सभी जानते हैं, सीसा, अभ्रक, संगमरमर, और क्या मिलता है इसमें, क्या मिलता है, संगमरमर आदि। बहुत सारे वुल्फ्राम है, गार्नेट है जैसे रत्न वाला, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। तो ये हमारी कौन सी चट्टाने हो गई, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, अगर आप कॉपी में उतार रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात। इसको मैं साफ कर रही हूँ। अगला हम पढ़ेंगे कौन सी, पहली हमने आर्कियन पढ़ी थी, फिर हमने धारवाड़ पढ़ी, अब हमारी जो तीसरी चट्टाने हैं वो है हमारी कुडप्पा खंड। देखिए आर्कियन, आर्कियन से किसका निर्माण हुआ, हमारी धारवाड़ का, और धारवाड़ के बाद तीसरी जो हमारी चट्टान है वो कुडप्पा क्रम की चट्टान है। इसका निर्माण किसने हुआ है, इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की,
नाकेन के अपरदन से धारवाड़ बनी, तो धारवाड़ के अपरदन पक्ष से क्या बनेंगी? कोडप्पा। मतलब सब लिंक है, एक दूसरे से ही होगी। चट्टानों का अपरदन जब हुआ था, क्या भारत की चट्टानों के अपरदन का निक्षेपण से बनी? पहली चीज तो क्लियर हो गई, आर्कियन के पक्ष अपरदन से बनी धारवाड़, धारवाड़ के अपरदन और निक्षेप मतलब जमाव, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, ठीक है। अगर निक्षेपण ना समझ में आए तो जमाव से समझ, तो उसके निर्माण से कौन सी हमारी चट्टान बनी? कोडप्पा क्रम की चट्टाने बनी। लेकिन इनमें भी देखिए, आर्कियन में जीवावशेष नहीं थे, धारवाड़ में जीवावशेष नहीं होंगे क्योंकि सब एक दूसरे से बने, तो कोडप्पा में क्या जीवावशेष होंगे? इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा, इसमें बिल्कुल नहीं थी। किसमें? आर्कियन में, धारवाड़ धारवाड़, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि रूप बदल रहे, समय निकल रहा है, तो अभाव होगा, एकदम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं। दो चीज क्लियर हो गई, लेट करके आप समझते जाइए चीजों को, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। इनका जो नाम पड़ा कोडप्पा, देखिए हर एक के नाम के पीछे मैं रीजन बता रही हूँ। आर्कियन का आर्क मतलब लावा मेघमा, धारवाड़ मैंने कहा कि कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, वहाँ सबसे पहले इसका सबसे बड़ा श्रृंखला पाई गई थी, इसलिए उसकी धारवाड़ ग्रंथि। तो कोडप्पा जो नाम है ये भी इसी रीजन से रखा गया है कि आंध्र प्रदेश में कोडप्पा जिले का इसका नाम किसके रखा गया है? आंध्र प्रदेश में कोडप्पा जिले के नाम, वहीं पे सबसे पहले ये मिली थी, इस वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया, ठीक है। वहाँ ये काफी विस्तृत फैली हुई रूप में सबसे पहले मिली थी, तो इसलिए इसका मिली थी और उनका रूप आज भी वहाँ है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? कोडप्पा क्रम की चट्टान, ठीक है। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो वैसे आप लोगों को मैंने कहा था धारवाड़ जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये धारवाड़ की अपेक्षा कम नहीं थी, धारवाड़ की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। चीज को लिखिए, जितनी इम्पोर्टेंट हमारी धारवाड़ थी उतनी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि उसमें खनिज संसाधन ज्यादा थे, इसमें खनिज संसाधनों की संख्या कम हो जाती है। इसका विस्तार की बात करें तो इसमें चट्टानों में लोहा है, मैग्नीज है, ये मिलता है। पहले अगर क्षेत्र विस्तार की बात करें तो ठीक है, अगर आपने उतार लिया हो तो मैं इसको साफ करूँ, थोड़ा बता देती हूँ विस्तार क्षेत्र यहीं पे, फिर डायग्राम में भी साफ करूँ विस्तार कहाँ कहाँ पे है इसका। तो कोडप्पा आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में ही इसका विस्तार मिलेगा, तो पहला नाम ही क्या हो जाएगा हमारा? डायग्राम में भी समझेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। नाम देख लीजिएगा, लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट। राजस्थान तथा हिमालय के, इसमें भी हिमालय वाला क्षेत्र आ गया, देखिए हिमालय के कुछ क्षेत्र आ जाएंगे, क्षेत्र। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो कृष्णा घाटी नदी है, कृष्णा कावेरी गोदावरी, ये वहाँ नदियाँ हैं, कृष्णा घाटी। नल्ला मलाई श्रेणी दक्षिण भारत की श्रेणी है, नल्ला मलाई श्रेणी, ठीक है। चेयर श्रेणी, चेयर श्रेणी तथा पापाभूमि श्रेणी, पापाभूमि श्रेणी बहुत सारे क्षेत्र, लेकिन मुख्य मुख्य क्षेत्र के लिए अभी डायग्राम से भी समझा रही हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप।
डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको कहा था आपको कहाँ पाई जा रही है, कुडप्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये भी अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती है। पहली चीज तो ये आंध्र प्रदेश के पहला क्षेत्रीय मैं आंध्र प्रदेश को कहा था। इसके अलावा राजस्थान में मैंने आपको बताया था, तो राजस्थान वाला क्षेत्र राजस्थान में बिल्कुल जो हम ये क्षेत्र लेंगे गुजरात यहाँ पे बनी हुई। मैंने आपको कहा था छोटा नागपुर का ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, इसका मतलब छोटा नागपुर का यहाँ ये पेटी ऐसी बनी टुकड़ा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हमारा महाराष्ट्र वाले रत्नागिरी वाला क्षेत्र वहाँ पे थोड़ा सा, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाए। ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा ही याद करना है। ये वाला क्षेत्र हो गया छत्तीसगढ़ में, ये वाला क्षेत्र हो गया आंध्र प्रदेश का हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। हिमालय के कुछ क्षेत्र लेयर्स में, इसलिए मैंने बताया कृष्णा घाटी की भी देखिए, कृष्णा और कावेरी नदी हमारी यहीं पर है, तो घाटी क्षेत्र भी अपने आ जाते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र ये है हमारी किस क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विधान। अब इसमें पाया क्या जाता है, तो अगर मैं बात करूँ इसमें खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, खनिज मिलता है देखिए लोहा मिलता है, ठीक है। सबसे पहले चीज तो लोहा तो है, लोहा है, मैग्नीज, ठीक है। कुडप्पा और कुर्नूल क्षेत्र जो है, कुडप्पा व कुर्नूल वही आंध्र प्रदेश में जगह है, कुर्नूल क्षेत्र से, कुर्नूल क्षेत्र से यहाँ विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मिलता है एस्बेस्टस और टॉल, बस व टॉल मतलब पाउडर, पाउडर इस क्षेत्र में मिलता है विशेष रूप से। इसके अलावा संगमरमर ये भी मिलता है, संगमरमर तो आप सभी जानते हैं। रंगीन पत्थर, रंगीन पत्थर ये विशेष रूप से कुडप्पा कुर्नूल क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो पूरी ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान यहाँ बात करें तो राजस्थान में देखिए आप पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में हमारा यही ऐसे हो जाएगा, तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ खेतड़ी वाला, तो वहाँ तांबा और अभ्रक का आपने सुना होगा, खेतड़ी तांबे के लिए जाना जाता है। तो ये जो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा इस क्षेत्र में, राजस्थान में मिलेगा कॉपर सिटी कहलाती है, खेतड़ी झुंझुनू में जो जगह है खेतड़ी वहाँ पे, तो
तो यहाँ तांबा मिलता है, तांबा, और एक और चीज मिलती है यहाँ पे कोबाल्ट। राजस्थान का बताती हूँ, हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या मिलता है, कोबाल्ट भी मिलता है, तांबा और कोबाल्ट दोनों चीज़ मिलाते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करूँ यहाँ पे तो बालू का पत्थर भी मिलता है, बालू का पत्थर, क्योंकि पत्थर क्योंकि चट्टान है तो पत्थर वाला क्षेत्र तो हमारा इसमें आना ही आना है। चूने का पत्थर, चूना पत्थर होगा तभी तो संगमरमर बनेगा, ठीक है, तो ये चूने से ही संगमरमर पत्थर का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर बात करें सीसा भी मिलता है, सीसा आदि चीज़ें, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें कुडप्पा क्रम की चट्टानों में देखने को मिलती है। उतारना चाहें तो आप उतार लीजिए, फिर मैं अगला टॉपिक करूँगा।